Hello friends, we are going to start with lesson 2, nutrition in animal. Nutrition in animal, आपने previous chapter में पढ़ा है कि nutrition क्या होता है. Nutrition, it is the process of taking food by an organism and its digestion, absorption and utilization by the body. It means कि nutrition वो process होता है जिसमें हम food को take करते हैं inside the body and उस फूड का सबसे पहले क्या होता है, डाइजेशन होता है, उसके बाद उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं, देन उसको यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी के थ्रू. अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन एनिमल. न्यूट्रिशन एनिमल्स में जो डिफरेंट स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के, वो क्या है, तो इसमें हम देखो जो स्टेप्स यूज कर रहे हैं, फर्स्ट है इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन और फिफ्थ है इजेशन. क्लियर. अब इंजेशन क्या होता है, इंजेशन इन मतलब इनसाइड, तो फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी, यानी फूड जब बॉडी के अंदर हम ले रहे हैं या खा रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इंजेशन कह रहे हैं. सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस. हम डाइजेशन यानी जब हम फूड को खाते हैं, हम टेक करते हैं इनसाइड द बॉडी, तो उस फूड को ब्रेक, उस फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स रूप में खाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, फिर हम उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं किसमें, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में. क्लियर. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं. थर्ड प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन. अब जब डाइजेस्ट हो गया फूड, तो हम उस हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, तो जो सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस बनता है एब्जॉर्प्शन में, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड ही सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में या ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर. फोर्थ प्रोसेस आता है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब होता है फूड का यूटिलाइज करना, जो एब्जॉर्ब ब्लड ने कर लिया है फूड, उस फूड का यूटिलाइज करते हैं हम. यूटिलाइज मतलब यूज करना. अब यूज किस किस में होता है, एनर्जी के रूप में हमारी बॉडी जो ग्रोथ करती है वहां पर यूज किया जाता है, और जो टिश्यूज कट फट जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, उनको रिपेयर करने में भी इसका यूज किया जाता है. फिफ्थ पॉइंट आता है इजेशन. इजेशन, इजेशन मतलब आउट, बाहर निकालना. तो जो अब जो डाइजेस्ट हो गया फूड, वो तो है ही सही, लेकिन कुछ फूड ऐसा भी होता है जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, यानी वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उस फूड को हम क्या कहते हैं, सॉरी, उस फूड को बॉडी क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से फूड लेने का तरीका होता है. अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से फूड को इनसाइड द बॉडी टेक आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले देखो ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, बाय हैंड. ये हैंड के थ्रू फूड को कहाँ लेता है, माउथ के अंदर. सेकेंड आते हैं रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स पिकअप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ. रूमिनेंट्स में कौन आते हैं, जो रूमिनेंट्स मतलब रूमन करते हैं. फॉर एग्जांपल काउ. काउ आपने देखा होगा कि पूरी तरह से फूड को वो करती रहती है, चलाती रहती है, मुंह में चलाती रहती है. तो ऐसे जो होते हैं, हॉर्स भी इसमें आता है, बफेलो होती है ना, ये सब जो है रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं, ये मुंह में फूड को डायरेक्टली पिक करते हैं. नेक्स्ट आता है पैरामीशियम. देखिए पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर होती है ना, इस टाइप की होती है. इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, और इसमें ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये सीलिया कहलाते हैं. जब भी कोई फूड, मान लीजिए फूड है, कोई भी इंसेक्ट वगैरह आते हैं, तो ये इस सीलिया जो होता है, इसके चारों इस तरह से स्पेस बनाते हैं, इसको इंटेक कर लेता है, यानी ले लेता है अंदर, एंड फूड को अपने माउथ में ले लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है. तो इसमें पैरामीशियम में क्या पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया पाए जाते हैं. नेक्स्ट आता है हाइड्रा. हाइड्रा की स्ट्रक्चर देखिए किस टाइप की होती है. हाइड्रा इस तरह का एनिमल होता है, और इस पे ये जो पाए जाते हैं,
इन्हें हम क्या कहते हैं, टेंटिकल्स कहते हैं, ये इसका माउथ है, और ये जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं टेंटिकल्स। इन टेंटिकल्स के थ्रू जब भी कोई इंसेक्ट इसके पास आता है तो ये उसको एकदम अंदर ले लेते हैं, अपने माउथ में ले लेते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो इसमें फूड को प्रॉपरिंग करने का तरीका क्या है, टेंटिकल्स है। ये एक मल्टीसेलुलर एनिमल होता है, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर टू टाइप्स के एनिमल होते हैं ना, जिनमें एक सेल होती है वो क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर कहलाते हैं, और मल्टीसेलुलर जिसमें एक से ज्यादा, तो ये सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल होता है। नेक्स्ट आता है स्पाइडर। स्पाइडर में क्या होता है, स्पाइडर सब जानते हैं वेब बनाते हैं, जाला बनाते हैं एक प्रकार का। तो इनका काम क्या होता है, स्पाइडर जो होते हैं वेब लाइक स्टिकी वेब बना लेते हैं, कहाँ पर, इंसेक्ट के चारों तरफ, ताकि उसको ट्रैप कर सकें, खींच सकें। तो स्पाइडर वेव स्टिकी वेब इन विच स्मॉल इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड करने के लिए, क्लियर। और नेक्स्ट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट का काम क्या है, फीडिंग ट्यूब, इनमें ना पतली सी ट्यूब होती है जिसे हम फीडिंग, फीड मतलब खाना, खाना खाने को लेना, अंदर लेना, फीड करना। तो फीडिंग ट्यूब होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोबोसिस कहते हैं, और ये प्रोबोसिस का काम क्या होता है, सक करना, चूसना, किसको, लिक्विड फूड को, क्लियर। और ये इंसेक्ट मॉस्किटो बटरफ्लाई इन सब में पाया जाता है। और लास्ट आता है फ्रॉग। फ्रॉग क्या है, फ्रॉग में लॉन्ग स्टिकी टंग होती है, ये टंग अपने प्रे पर, प्रे मतलब इसका जो इंसेक्ट वगैरह फूड होता है उस पर ऐसे उल्टी करके मतलब डाल देता है अपनी टंग को, उस पर फूड वो चिपक जाता है, स्टिकी में चिपक जाता है, और ये उसको फूड को अंदर ले लेता है। तो इस प्रकार से हमारे खाने के तरीके हैं, मोड्स मतलब तरीके, टाइप्स हैं, जो किस प्रकार से फूड को डिफरेंट टाइप्स के एनिमल किस एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमन। इसमें टू टाइप्स हमने इसे क्लासीफाई किया, यानी कि डाइजेशन ह्यूमन में किस टाइप से होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक, और सेकेंड है ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ट्रैक को हम एलिमेंटिक कैनाल भी कहते हैं, क्लियर। इसमें जो मेन पार्ट्स हैं एलिमेंटिक कैनाल के, सबसे पहले बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब मुंह, हमारा जो मुंह होता है उसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं। जब हम पूरा मुंह खोल देते हैं तो देखा होगा एक कैविटी के रूप में दिखाई देता है, तो इसलिए उसे बक्कल कैविटी कहा जाता है। सेकेंड ईसोफेगस, ईसोफेगस जिसे हम सिंपल भाषा में फूड पाइप भी कहते हैं, क्लियर। और थर्ड आता है स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, क्लियर। स्टमक हमारा ईसोफेगस के बाद वाला पार्ट होता है, उस अभी एक एक पार्ट हम स्टडी करेंगे। ग्लैंड्स में हमारे तीन टाइप की ग्लैंड मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट रोल प्ले करती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रिया। सलाइवरी ग्लैंड मुंह में होती है, सलाइवर निकलता है हमारे मुंह में इससे, सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवर जो चिपचिपा सरसा पदार्थ निकलता, कई बार जब घर में समोसे होते हैं या कोई अच्छा खाना बना होता है तो हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं लार आ रही है, दैट इज सलाइवा। लीवर एंड पैनक्रियाज, ये ग्लैंड्स हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब हम एक एक पार्ट लेंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, डाइजेशन इन ह्यूमन का फर्स्ट पार्ट हम बक्कल कैविटी ले रहे हैं। बक्कल कैविटी के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो बक्कल कैविटी में सबसे पहले टीथ होते हैं, फिर टंग, और फिर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फिर टीथ क्या करते हैं, अब टीथ का आपको काम पता होगा कि ये ब्रेक डाउन करते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टीथ टू टाइप्स के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट टीथ, क्लियर। टेम्परेरी टीथ को हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, ये स्मॉलर होते हैं और वीकर होते हैं, छोटे होते हैं और कमजोर होते हैं, तभी से टूट जाते हैं। और परमानेंट टीथ क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। सेकेंड क्या है कि टेम्परेरी टीथ को रिप्लेस किया जाता है बाय न्यू नेचुरल टीथ से, क्योंकि आपको पता होगा कि टेम्परेरी टीथ एक टाइम के बाद टूटना शुरू कर देते हैं और उसकी जगह पर दूसरे टीथ यानी परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं, जबकि परमानेंट टीथ अगर एक बार टूट जाते हैं तो वो रिप्लेस नहीं होते अगेन न्यू टीथ से, क्लियर। दीज आर 20 नंबर, टेम्परेरी टीथ होते हैं सिर्फ नंबर में 20 होते हैं, 10 अपर जॉ और 10 लोअर जॉ, जॉ मतलब जबड़े, क्लियर। और परमानेंट टीथ से कितने होते हैं, 32 होते हैं इन नंबर, क्लियर।
लेकिन परमानेंट टीप को हम फिर क्लासिफाई करते हैं। जो परमानेंट टीथ होते हैं हम उसे क्लासिफाई करते हैं किसमें, सबसे पहले होता है इनसीजर, इनसीजर। इनसीजर जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, इनसीजर टीथ, इनको हम ना कटिंग टीथ भी कह सकते हैं, कटिंग टीथ। कटिंग टीथ इसलिए कहते हैं कि कट करने का काम करते हैं। जो टीथ होते हैं वो हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, फ्रंट पार्ट में, जो सामने वाले टीथ होते हैं ना, फोर टीथ जो होते हैं सामने के, चार दांत जो होते हैं सामने वाले फ्रंट टीथ, उन वो हमारे किसी भी चीज को कट करने काम आते हैं, इसलिए इसे हम कटिंग टीथ कहा जाता है। ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ब्लेड मतलब काटने लायक। सेकेंड होते हैं कैनाइन, कैनाइंस, इनको हम कहते हैं टीयरिंग टीथ। कैनाइंस टीयरिंग टीथ, टीयरिंग टीथ का मतलब क्या हो गया, चीरने फाड़ने वाले, शार्प पैनी पॉइंटेड टीथ। और तुमने देखा होगा कि ये हमारे टू होते हैं, ऊपर की तरफ देखा होगा जो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं ना, फ्रंट टीथ, उनके पास में पहले टीथ होते हैं दो, उन टीथ को हम क्या कहते हैं, कट कैनाइंस कहते हैं या टीयरिंग टीथ कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है प्री मोलर्स, प्री मोलर्स, प्री मोलर्स को हम कहते हैं ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंडिंग टीथ का मतलब ग्राइंड करना, जिसे हम कहते हैं एक तरह से पिस जाना, कोई चीजें जो पिस जाती है उसे कहते हैं ग्राइंडिंग टीथ। ये बिल्कुल स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर देता है फूड को। क्लियर। ये भी कितने होते हैं, फोर इन नंबर होते हैं, ईच जॉ, जॉ मतलब जबड़े में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मोलर्स, मोलर्स, और इनको भी हम ग्राइंडिंग टीथ के नाम से जानते हैं। इन्हें भी हम ग्राइंडिंग टीथ के नाम से जानते हैं मोलर्स को। तो ये भी ग्राइंड कर देते हैं, मतलब और बारीक पीस देते हैं, क्रश कर देते हैं बिल्कुल जो उनको फूड को। क्लियर। और ये थ्री होते हैं दोनों साइड्स में। क्लियर। तो इस तरह से टीथ जो होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा आता है टंग। टंग का काम क्या होता है, टंग एक प्रकार से एक तो मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसमें कोई बोन्स वगैरह तो होती नहीं है, है ना। तो टंग का काम जो होता है वो क्या करती है, एक तो ये मिक्सिंग करती है स्लाइवा की, स्लाइवा भी बताया था आपको, चिपचिपा पदार्थ जो मुंह में प्रेजेंट होता है वो उसमें स्लाइवा का मिक्सिंग कर देती है। विद फूड, यानी जो फूड आप खाते हैं वो स्लाइवा मिक्स कर देता है पूरे फूड को, लसलसा सा बना देता है ताकि वो आराम से आप निगल सकें, है ना, डाइजेस्ट कर सके, आगे बढ़ सके। सेकेंड इसका काम क्या होता है, पुशिंग, मतलब पुश करने में, जो इसोफेगस होती है उसमें पुश करने में हेल्प करती है। पुशिंग, ठीक है, पुशिंग करती है। एंड स्वेलिंग द फूड, स्वेलो मतलब उसमें भेजना, फूड पाइप में भेजना।
क्लियर, इसका हेल्प होता है ये। और दूसरा हमें क्या कराती है, टेस्ट, क्या किस टाइप का खाना आपने खाया है, तो ये हमें टेस्ट की भी पहचान कराती है। टेस्ट किस, चार टाइप के टेस्ट हमारे उसमें होते हैं, कौन कौन से, सॉल्टी, सॉर, उसके अलावा बिटर, और लास्ट होता है हमारा स्वीट। ये चार टेस्ट हमें पता लगते हैं कैसे, सॉल्टी नमकीन जो होता है, सॉर मतलब खट्टा, बीटा मतलब कड़वा, और स्वीट मतलब मीठा। क्लियर। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा वो होता है स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड का क्या काम है, ग्लैंड का काम अभी मैंने बताया था कि ये स्लेवरी ग्लैंड में जो स्लाइवा होता है वो कंटेन करके रखता है एंजाइम्स को। स्लाइवा में क्या पाया जाता है, एंजाइम्स। अब एक नया वर्ड आपके लिए आया है, एंजाइम। एंजाइम का काम क्या होता है, ये ब्रेक डाउन करता है फूड को बहुत अच्छे से, और जो रिएक्शंस हो रही हैं यानी फूड का डाइजेशन की जो रिएक्शन हो रही होती है उनको फास्ट कर देता है, ये एंजाइम्स का काम होता है। ठीक है। और इस एंजाइम को हम कहते हैं एमाइलेज, यानी स्लाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एमाइलेज। क्लियर। और ये क्या करता है, हमने ये पढ़ा था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, और कार्बोहाइड्रेट टू टाइप्स होते हैं, स्टार्च एंड शुगर। और हमने ये भी देखा कि जो स्टार्च और शुगर होते हैं, सिक्स क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे कि जो स्टार्च और शुगर होते हैं तो उनमें शुगर इज अ सिंपलेस्ट सब्सटेंस एंड स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो एमाइलेज का काम क्या होता है, वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, शुगर। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। और ये क्या है, सिंपलेस्ट। समझ आया हमारा इसका काम क्या है। तो ये काम स्लेवरी ग्लैंड का होता है, यानी बक्कल कैविटी इतना काम कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसोफेगस। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, इसोफेगस। पहला हमारा क्या था, बक्कल कैविटी, सेकेंड है इसोफेगस। इसोफेगस को हम फैरिंग्स भी कहते हैं और फूड पाइप भी कहते हैं। क्लियर। यहाँ पर जो फूड बक्कल कैविटी में च्यू हो जाता है, च्यू मतलब उसके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है वो फूड स्वेलो होकर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि स्लाइवा जो होता है उसको क्या कर देता है, स्वेलो कर देता है, और पुश करता है कहाँ पर, इसोफेगस यानी इस वॉल में। ये मस्कुलर वॉल होती है, मसल्स की बनी होती है, तो जब फूड इसके अंदर आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी इस तरह से फैल जाती है। ठीक। और फूड इसके अंदर इस तरह से पहुंच जाता है, और आगे वाला ऐसा देखो रिलैक्स्ड है, जैसे ही फूड यहाँ आएगा ये कॉन्टैक्ट हो जाएगा। क्लियर। और कहाँ पहुंचता है, सीधे इस हिस्से में यानी स्टमक में। जब इसकी वॉल कॉन्टैक्ट नहीं होती तो उस समय ये रिलैक्स्ड कंडीशन में रहती है, मस्कुलर वॉल है ना इसलिए रिलैक्स्ड कंडीशन में रहती है। तो इसोफेगस में जब फूड पुश होकर स्टमक तक पहुंचता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो द पुशिंग डाउन ऑफ फूड बाय द वॉल ऑफ द इसोफेगस। बाय द वॉल मतलब ये मस्कुलर वॉल है, तो ये कभी फैलती है कभी सिकुड़ती है, कभी फैलती है कभी सिकुड़ती है, जहाँ जहाँ फूड जाता है वहाँ वहाँ फैल जाती है, जहाँ फूड नहीं होता वहाँ रिलैक्स हो जाती है। तो बाय द वॉल ऑफ द इसोफेगस इन अ वेव लाइक एक्शन, क्योंकि वेव लाइक एक्शन होता है इस तरह से, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पेस्टलेसिस कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है थर्ड, स्टमक। तो थर्ड हमारा क्या है, स्टमक। फर्स्ट बक्कल कैविटी, सेकंड इसोफेगस, और थर्ड हमारा क्या होता है, स्टमक। स्टमक जे शेप्ड होता है, जे इंग्लिश का जो जे होता है उस टाइप का होता है, जे शेप्ड। अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाई भी थी सेकंड पॉइंट स्टमक का, कि ये थिक वॉल्ड ऑर्गन है, और जो हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। एब्डोमेन जानते हैं आप क्या होता है, पेट को कहते हैं, जो हमारे पेट होता है उसको एब्डोमेन कहा जाता है। और थर्ड पॉइंट क्या है, कि इनर वॉल, जो स्टमक की इनर वॉल होती है वो कंटेन करके रखती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। अभी हमने एक ग्लैंड पढ़ी थी इससे पहले, कहाँ पर पढ़ी थी, स्लाइवरी ग्लैंड, कहाँ पढ़ी थी, बक्कल कैविटी में। क्लियर। जो एमाइलेज एंजाइम को सिक्रेट करती है, इसी तरह से यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है।
ये कंटेन करके क्या रखती है, थ्री सब्सटेंस कंटेन करके रखती है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन सब्सटेंस को कंटेन करके रखती है, कौन कौन से, पहला है HCl जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड होता है पेप्सिन, और थर्ड होता है म्यूकस, ये तीन चीजों को, तीन सब्सटेंस को कंटेन करके रखती है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, ये पहला काम इसका होता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। जब फूड हम खाते हैं तो उसमें कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी चले जाते हैं, है ना, तो उनको किल करने का काम ये करता है। और दूसरा ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जो ये पेप्सिन एंजाइम होता है, ये भी एक प्रकार का एंजाइम है, ये पेप्सिन जो एंजाइम होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा देता है उसकी प्रेजेंस में ही वर्क करता है, इसलिए HCl का काम क्या है कि हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है, और दूसरा दे प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्लियर। अब यहाँ पर जो सेकेंड है पेप्सिन, उसका क्या काम है, पेप्सिन क्या काम, अभी मैंने बोला आपको कि जो ये एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है पेप्सिन, तो इसका काम क्या होता है, जो प्रोटीन्स हम खाते हैं, पेप्सिन का काम क्या है, जो प्रोटीन, ये जो प्रोटीन हम खाते हैं इसको कन्वर्ट करेगा सिंपलेस्ट सब्सटेंस में, तो ये कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स इज अ सिंपलेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, और ये हो किसके प्रेजेंस में रहा है, पेप्सिन की प्रेजेंस में। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है, पहले भी मैंने बताया था कि इस एंजाइम वो होते हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और रिएक्शंस की जो इंक्रीज कर देते हैं, रिएक्शन को फास्टेस्ट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ हो रहा है, स्टमक में, चलिए ये किसका काम होता है, पेप्सिन का। नेक्स्ट म्यूकस, म्यूकस क्या काम करता है, म्यूकस करता है प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यानी जो दीवार होती है, वॉल होती है उसकी स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, म्यूकस। अब स्टमक की जो दीवार होती है उसको किससे प्रोटेक्ट करता है, तो फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पर एंजाइम भी है एसिड भी है, तो इनसे ही प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ये म्यूकस कर रहा है, और ये तीनों पार्ट्स किसके होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन करके रखती है अपने अंदर, तो ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, स्टमक में हो रहा है। अब नेक्स्ट हम कौन सा लेंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ फोर्थ पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट इन द एलिमेंट्री कैनाल, और ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, एक कॉइल के रूप में प्रेजेंट होती है, अभी डायग्राम में शो करके बताऊंगी किस तरह से होती है। इसमें मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसमें टू ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रिया, सबसे पहले हम लीवर के बारे में बात करते हैं, तो लीवर जो होता है वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, क्लियर। उसके बाद इट सिक्रेट बाइल जूस विच स्टोर इन गॉल ब्लैडर, लीवर से एक बाइल जूस सिक्रेट होता है, जूस एक प्रकार का, और ये कहाँ स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में।
बाइल जूस का काम क्या होता है, ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, जो फैट होते हैं उसके जो बिग ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको ब्रेक कर देता है स्मॉल ड्रॉपलेट में, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके इजी वे में। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ लीवर का। ये लीवर पहली ग्लैंड थी, सेकेंड ग्लैंड कौन सी होती है, पैनक्रियास। दिस इज सेकेंड ग्लैंड पैनक्रियास। अगर डायग्राम ध्यान हो तो जो स्टमक होता है उसके जस्ट नीचे बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है और बिल्कुल स्टमक के बिलो प्रेजेंट होती है। इससे जो जूस निकलता है उसे हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, इट सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। इस पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन को चेंज कर देता है सिंपलर फॉर्म में। पैनक्रियाटिक जूस का जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, हम जो खाना जो खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में ही खाते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन इनको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये चेंज करता है सिंपलर फॉर्म में। क्लियर, ये काम है पैनक्रियास का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में टू ग्लैंड्स होते हैं, एक होती है लीवर, सेकेंड होती है पैनक्रियास। लीवर हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, उसके बाद पैनक्रियास आता है जो बिलो द स्टमक प्रेजेंट होती है, जो पैनक्रियाटिक जूस इससे सिक्रेट होता है, उससे बाइल जूस सिक्रेट होता है। यहाँ पैनक्रियाटिक जूस का काम होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को कन्वर्ट करना सिंपलर फॉर्म में, और बाइल जूस का काम क्या होता है कि ये डाइजेशन करता है फैट्स का सिंपलर फॉर्म में। क्लियर, अब बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस की। अभी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने दो ग्लैंड्स पढ़ी कि एक लीवर और एक पैनक्रियास। तीसरा होता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जो इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल जूस में, वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में। अब हम देखते हैं एक चीज कि जो हमने अभी तक स्टडी करी बक्कल कैविटी से लेकर और स्मॉल इंटेस्टाइन तक, ये देखिए उसमें आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में हमने पढ़े थे टीथ पढ़ा था, है ना, टंग पढ़ी थी, और उसके अलावा हमने ग्लैंड्स पढ़ी थी। तो स्लाइवरी ग्लैंड, सो स्लाइवरी ग्लैंड देखिए यहाँ पर प्रेजेंट होती है। बक्कल कैविटी यानी मुंह, माउथ जो आपका होता है उसमें टंग है। इस बक्कल कैविटी में जैसे ही आपने फूड खाया लिया, ये यहाँ पर कन्वर्ट होकर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होकर कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में मस्कुलर वॉल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के थ्रू कहाँ पहुँचा देती है, स्टमक में। फिर हमने स्टमक में पढ़ा था कि इसकी जो वॉल होती है, स्टमक के जो वॉल होती है उससे क्या होता है, उसमें तीन प्रकार के गैस्ट्रिक जूस में तीन कंटेंट रहते हैं सब्सटेंस। अब सब्सटेंस कौन से थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, उसके अलावा म्यूकस, और तीसरा क्या था, पेप्सिन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड मीडियम प्रोवाइड कराता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टॉन्स में, और इसी प्रकार से म्यूकस जो होता है इसकी वॉल की लाइनिंग को सेव करता है। क्लियर, उसके बाद यहाँ पर लीवर, अभी हमने पढ़ा था लीवर, लीवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड, यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है, लीवर से बाइल जूस निकल कर स्टोर हो जाता है यहाँ पर। फिर यहाँ से कहाँ मिक्स हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आएगा उसमें मिक्स हो जाता है। क्लियर, क्योंकि ये क्या करेगा, फैट को कन्वर्ट कर देता है सिंपलर सब्सटेंस में। इसके बाद पैनक्रियास में पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होकर वो भी यहाँ पर मिक्स हो जाता है, और वापस कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और देन फिर होता है एनस। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। अभी जो हमने सब चीजें पढ़ी है ना, इसमें जो हमारे एंजाइम से वो वर्क करते हैं, वर्क करने के लिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। पार्शली डाइजेस्टेड फूड है ना,
कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में. और ये रिएक्शन कहाँ हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में रिएक्शन हो रही है तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में. क्लियर. उसके बाद कार्बोहाइड्रेट ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? इंटेस्टाइनल जूस की प्रेजेंस में. और ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है. कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट फूड होता है. उसके बाद हमने पढ़ा था फैट. फैट का भी डाइजेशन होता है यहाँ पर. तो फैट किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड में. तो फैट ये कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड में. ये भी किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? इंटेस्टाइनल जूस की प्रेजेंस में. आप यहां पर लिख सकते हैं इंटेस्टाइनल जूस की प्रेजेंस में. ये भी इंटेस्टाइनल जूस की प्रेजेंस में. यानी ऑल रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में होती है? इंटेस्टाइनल जूस की प्रेजेंस में होती हैं. क्लियर. तो यहाँ पर फैट जो होता है स्मॉल, अभी हमने पढ़ा था कि फैट जो होता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देंगे अब किसमें? इजियर सब्सटेंस में. तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं. क्लियर. उसके बाद प्रोटीन. प्रोटीन प्रोटीन भी इंटेस्टाइनल जूस की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट जाता है? अमीनो एसिड में. अमीनो एसिड हमारे लिए, अमीनो एसिड की हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि नाइट्रोजन मिलती है इसके थ्रू, है ना? अमीनो एसिड. तो ये रिएक्शंस कहाँ होती हैं? हमारी बॉडी में होती हैं. ये सब किसका प्रोसेस था? डाइजेशन का. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिन्हें हम विली कहते हैं. क्लियर. जो ईच विली होती है वो एक नेटवर्क बनाती है पत्ती पत्ती ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर वेसल्स जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं. क्लियर. कैपिलरीज होती हैं क्लोज टू सरफेस रहती है. सरफेस के मतलब बिल्कुल पास रहती हैं और इनर वॉल के आसपास पूरे सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है जिससे कि डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब किया जा सके. ये डाइजेस्टेड फूड कैपिलरीज के थ्रू कहाँ पहुँचता है? ब्लड में पहुँचता है और ये ब्लड उस फूड को सर्कुलेट करता है एक से दूसरे पार्ट तक. नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ कि जो फूड ट्रांसपोर्ट हो गया है पूरे पार्ट में उस पार्ट उसको अब क्या किया जाता है? यूटिलाइज किया जाता है. यूटिलाइज किया जाता है. यूटिलाइज मतलब किस रूप से? ग्रोथ के रूप में और रिपेयर ऑफ टिश्यूज के रूप में. क्लियर. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. और जो हमारी बॉडी में कहीं पर कट पड़ जाता है ना उसकी रिपेयर करने के रूप में, टिश्यू की रिपेयर करने में, इन सब में इसका यूटिलाइज किया जाता है. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इजेशन. इजेशन मतलब होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है उस फूड को क्या करना? रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी. इसमें एक टॉपिक है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है. तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर रह जाता है. तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. अब वाटर भी एब्जॉर्ब कर लिया गया है तो अब बचता क्या है? सॉलिड फूड बचता है. सॉलिड अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड फूड. इसको रिमूव किया जाता है और उस रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं. और रिमूव किस फॉर्म में किया जाता है? फेसेस के फॉर्म में. फेसेस जिसे आप पोटी कहते हैं, ठीक है, इस रूप में इसको रिमूव कर दिया जाता है. न्यूट्रिशन इन अमीबा. अभी तक हमने ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन पढ़ा ना कैसे होता है, कि कैसे वो प्रोसेस, क्या क्या उसमें पार्ट्स हैं. तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन अमीबा. अमीबा जो होता है ये यूनिसेलुलर है तो इसमें पर्टिकुलर कोई पार्ट तो हो नहीं. सेलुलर
यूनिसेलर, ठीक है। अब यूनिसेलर में कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं होते, इसलिए ये कैसे करता है, अपनी जो अमीबा की कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी नहीं होती है, तो इसलिए जब कोई फूड इसके पास आता है तो इसकी जो वॉल होती है वो क्या बना लेती है, इसके चारों ओर एक लेयर बना लेती है इस तरीके से, क्लियर। इसे क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया कहते हैं। और ये क्या है, फूड, क्लियर। तो जो सिंपलेस्ट, ये सिंपलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपलर ऑर्गेनिज्म अपनी जो मेम्ब्रेन होती है उसी से फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है फूड के चारों जो लेयर बनाते हैं, सूडो, सूडो मतलब होता है झूठे, झूठे, और पोडिया मतलब था पैर, यानी झूठे पैर जिनके थ्रू ये मूव कर रहा है। अब ये फूड को एनगल्फ करता है, यानी लेता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। अभी हम पढ़ के आए, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है, इंजेशन। और यहाँ पर इसके क्या होता है, न्यूक्लियस, क्लियर। सेकंड में क्या करेगा, ये सेकंड प्रोसेस में ये फूड को अंदर ले लेता है, अब इस फूड में, इस फूड को अंदर लेने के बाद जो एंजाइम्स होते हैं वो एंटर, ये फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल, इस फूड वैक्यूल में अब एंजाइम एंटर करते हैं, क्योंकि एंजाइम ही क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये एंजाइम्स इस फूड वैक्यूल में एंटर करते हैं, एंटर करके जो फूड अंदर आया है उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट में ये जो प्रोसेस है, ये इंजेशन था पहला, सेकेंड क्या हो गया, डाइजेशन। अब थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड में आ जाएगा एब्जॉर्प्शन, क्लियर। थर्ड में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए जो फूड पैकेट होता है उसमें जो फूड होता है उसको एनिमल एब्जॉर्ब करता है, यानी ये बाहर की ओर देखिए एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट फोर्थ में क्या आएगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब कि जो फूड एब्जॉर्ब हो चुका है अब उसको क्या करा जाएगा, यूज किया जाएगा किसी भी वर्क के रूप में, एनर्जी के रूप में, किसी भी रूप में इसको एसिमिलेट किया जाएगा। अब बचा हुआ फूड जो अनडाइजेस्टेड रह गया है वो अगेन मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, ठीक है, इंजेशन। और ये क्या कहलाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये होगा अनडाइजेस्टेड फूड, क्लियर। ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि क्या था, यूनिसेलर एनिमल था, इसमें प्रॉपर ऑर्गन नहीं पाए जाते, इसलिए ये किसके थ्रू करता है, अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू करता है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है रूमिनेंट्स में, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मैंने बताया था कि जैसे काऊ, बफेलो, हॉर्स, ये सब क्या होते हैं, रूमिनेंट होते हैं, जो डायरेक्टली फूड माउथ में ले लेते हैं, है ना। इनमें जो स्टमक होता है उसे हमने डिवाइड कर रखा है, क्योंकि ये डायरेक्टली मुंह में भरते हैं और भर कर ही सीधे अपने स्टमक में भर लेते हैं और फिर वापस मुंह में लाकर उसको चलाते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, काफी टाइम तक चबाते रहते हैं। इनको कंपाउंड स्टमक भी कहा जाता है, बिकॉज देयर इज अ फोर टाइप्स, है ना,
फर्स्ट इसमें रूमन होता है, रूमन इज अ लार्जेस्ट चैम्बर है। इसमें जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कड की फॉर्म में होता है, बिल्कुल स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करके ये कड की फॉर्म में बन जाता है। और इसे कहाँ फॉरवर्ड कर दिया जाता है, रेटिकुलम में। रेटिकुलम में जो फूड होता है वो ये बाबा रिटर्न करके माउथ में मतलब माउथ में ले जाता है वापस, और वहाँ पर खूब देर च्युइंग करता है, खूब देर तक चलाता रहता है च्युइंग करता रहता है। और उसके बाद जब च्युइंग हो जाता है बहुत ज़्यादा, देखा होगा मुँह चलाते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मॉलर स्पेसेस में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये कन्वर्ट भेज दिया जाता है थर्ड चैम्बर में, ओमेसम में। ओमेसम में ये थर्ड चैम्बर कहलाता है, यहाँ पर और स्मॉलर पीसेस में इसको कन्वर्ट किया जाता है। और फर्दर अब कहाँ जाता है, उस फोर्थ चैम्बर में जिसे कहते हैं एबोमेसम। एबोमेसम यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक जूस में हमने गैस्ट्रिक जूस कंटेन करके रखते हैं एंजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो सिक्रेट कर इस डाइजेस्टेड फूड में मिक्स हो जाता है। और उसके बाद फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। क्लियर? तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।